गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दूर, कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स। माई सेल्फ इज नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सो टूडे इज अवर टॉपिक इंट्रोडक्शन टू डॉस। आज हम डॉस के बारे में बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डॉस। तो डॉस क्या होता है? डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो पहले के कंप्यूटर्स जो रहते थे, सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन, उस समय स्टार्टिंग में आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें पर्टिकुलर आप अगर कोई भी कमांड के थ्रू कोई भी आउटपुट लेना चाह रहे हैं या कोई भी इनपुट देना चाह रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर क्या करते थे, डॉस में कमांड दिया रहता था, उसी कमांड के थ्रू आप कोई भी प्रोग्राम को या कोई भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते थे। सपोज आपको अगर डेट ही देखना था, अपने सिस्टम में डेट अगर देखना था, तो आप डेट कमांड का यूज करके डेट लिखते कमांड में, DATE, उसके बाद डेट दिख जाता था। ठीक है, जैसे कि अगर आपको ईयर देखना है तो ईयर का कमांड होता था। उसी तरह जो भी एक्शन परफॉर्म करना रहता था, कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करना है या किसी फाइल को कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हर एक चीज के लिए क्या होता था, आपका कमांड बना होता था डॉस में और आप उसको परफॉर्म करके उसको कॉपी करते थे। सो यहाँ पे डॉस एमएस डॉस का फुल फॉर्म जो होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डी फॉर डिस्क, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एस फॉर सिस्टम। सो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम है। एमएस डॉस एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन पर जो इंटरफेस दिख रहा है, ये डायग्राम, ये आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आप कैरेक्टर के थ्रू क्या देंगे, कमांड देंगे, यूजर कमांड देता था, देन एक्शन परफॉर्म होता था। जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं डॉस कमांड लिखा हुआ है, ये क्या है, CMD कमांड, इसी को बोलते हैं CMD, मतलब कमांड। यहाँ पर क्या करेंगे आप, उस कमांड को जैसे इनपुट करेंगे देन एंटर करते ही आपको आउटपुट देगा। सो इसी को बोलते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लगातार अपनी कुछ विशेषताओं के साथ यूजर को नए नए फीचर्स या सुविधाएं उपलब्ध कराता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत ही लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब पहले जब ये यूज होता था, पिछले जनरेशन था, थर्ड या फोर्थ जनरेशन में, तो उस समय बहुत ही लोकप्रिय हुआ करता था, क्योंकि उस समय अभी के जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके, विंडोज 7 हो गए, विंडोज 10 हो गए, लाइनेक्स हो गए, यूनिक्स हो गए, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो अभी अभी आए हैं। इसके पहले जो है वो डॉस आया था। तो डॉस क्या होता था, बहुत ही लोकप्रिय हुआ करता था। माइक्रो कंप्यूटर में यह प्रयोग होता था। जो माइक्रो कंप्यूटर, इसके पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें हम मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसमें सब पढ़े हैं। तो उसमें जो माइक्रो कंप्यूटर होता था उसमें डॉस कमांड यूज होता था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सन 1984 में, ये जो दिख रहे हैं 1984, यहाँ पे इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल 80286 प्रोसेसर युक्त माइक्रो कंप्यूटर विकसित किया गया। तब इनमें MS-DOS 3.0 और MS-DOS 4.0, ये जो दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपका क्या है, MS-DOS 3.0 और ये जो है वो MS-DOS 4.0। ये स्टार्टिंग होता है एमएस डॉस का। तो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब आपके इंटरफेस जो है इसी तरह से आपको डिस्प्ले होता है।
तो ये अलग अलग वर्जन के अलग अलग इंटरफेस होते थे। माइक्रोसॉफ्ट के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी को डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यह अधिकतर डिस्क से संबंधित इनपुट आउटपुट कार्य करते थे। अब इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों दिया गया इसका नाम? इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये ज्यादातर जो कार्य है वो डिस्क से रिलेटेड ही कार्य करते थे। डिस्क में जितने भी आपके डायरेक्टरीज हो गए, किसी भी फाइल को कॉपी करना हो गया, या फोल्डर कॉपी करना हो गया, उसको डिलीट करना हो गया, या उसको रीड या राइट करने की अगर बात आती है, तो इस तरह के जितने भी कार्य थे सब आपके डिस्क से रिलेटेड थे, इसीलिए इसका नाम जो है वो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया। एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। मतलब सपोज मैं यूजर हूं, ठीक है, ये सिस्टम है, तो मेरे और सिस्टम के बीच पे मध्यस्थता, जो इंटरफेस का माध्यम का कार्य कौन करता है? हार्डवेयर। भाई मैं अगर कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा हूं और अगर मेरे कंप्यूटर पे हार्डवेयर हार्ड डिस्क सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो फिर वर्क कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कंप्यूटर एक खाली डब्बा के समान है अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर नहीं है तो वही चीज है, यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है? मध्यस्थता का कार्य करता है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को कंट्रोल ही नहीं करता बल्कि उनके बीच परस्पर संबंध स्थापित भी करता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपके हार्डवेयर हो गए, हार्डवेयर में जितने भी आपके क्या हो गए, मॉनिटर हो गया, ये मॉनिटर हो गए, कीबोर्ड हो गए, रैम हो गया, माउस हो गए, प्रिंटर हो गए, तो ये सभी क्या है, आपके हार्डवेयर में आते हैं। ये जो होता है वो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जितने भी गूगल क्रोम हो गए, आपका जो भी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर हो, ये प्ले स्टोर है, एंड्रॉयड ऐप है, पेपाल है, ये सारे जो चीज है वो आपके किस में आते हैं? सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल ही नहीं करता बल्कि उनके बीच परस्पर संबंध भी स्थापित करता है, जिससे यूजर को कंप्यूटर ऑपरेट करने में कोई समस्या नहीं होता। ठीक है, जैसे मैं यूजर हूं तो कंप्यूटर ऑपरेट करने में कोई समस्या नहीं होगा। एमएस डॉस में कीबोर्ड की सहायता से कमांड दिए जाते हैं, जैसे एमएस डॉस है ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसमें कीबोर्ड की सहायता से कमांड देंगे। ठीक है, जैसे हमारा कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से हम क्या करेंगे, कीबोर्ड की सहायता से हम क्या करेंगे, कमांड देंगे। ठीक है, नेक्स्ट शो हमारा सब टॉपिक है डॉस के कार्य, फंक्शन ऑफ डॉस। अब हम डॉस के जितने भी कार्य होते हैं, मेन जो फंक्शंस होते हैं वो हम देखने वाले हैं। सो डॉस ट्रांसलेट्स द कमांड इशूड ऑफ द यूजर इन द फॉर्मेट दैट इज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट इट, ऑल्सो एरर मैसेज इन द फॉर्मेट फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड। सेकंड, मैनेज डिस्क फाइल्स। थर्ड इज एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। देन लास्ट इज डॉस प्रोवाइड्स फीचर्स एसेंशियल टू कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क डिवाइसेस, प्रिंटर्स, मॉडेम्स एंड प्रोग्राम्स। सो दीज ऑल द मेन फंक्शन ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य में पहला क्या होता है आपका, यह कीबोर्ड से कमांड लेगा और उनकी
उनको डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे कि मेरे को अगर कोई भी डॉस कमांड देना है तो मैं कीबोर्ड से क्या करूंगा, इंटर करूंगा, इनपुट दूंगा, और वो इनपुट क्या करेगा, उसका डेफिनेशन जो है वो डॉस के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट होता है यह सिस्टम के सभी फाइल्स को दिखाता है, ठीक है। मेरे सिस्टम में जितनी भी फाइल्स हैं सबको ये क्या करेगा, शो करेगा, विजिबल करेगा। नेक्स्ट होता है यह प्रोग्राम के लिए नए फाइल्स तथा अलॉट स्पेस बनाता है। जो प्रोग्राम्स हैं, सपोज मैं अगर कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ तो उस प्रोग्राम के लिए नया फाइल जो है, ठीक है, फाइल क्रिएट करना, न्यू फाइल, और उसके लिए स्पेस अलॉट करने का काम भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। नेक्स्ट होता है यह पुराने नाम के स्थान पर एक फाइल का नाम बदलता है। मतलब मान लो मैंने पुराना फाइल BCT123 के नाम से किया है, अब मुझे बाद में उसका नाम चेंज करना है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे उस फाइल का नाम, तो मैं उस फाइल का नाम चेंज कर सकता हूँ, नया कर सकता हूँ। नेक्स्ट यह एक फ्लॉपी में जानकारी एवं जानकारी की प्रतिलिपि बनाता है। प्रतिलिपि का मतलब डुप्लीकेट बोल रहा है, मतलब कोई भी फ्लॉपी है या कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, उस फ्लॉपी में, ठीक है, कोई भी प्रोग्राम को फ्लॉपी में वो क्या करेगा, डुप्लीकेट बनाएगा, ठीक है, एक से ज्यादा फाइल का कॉपी बना सकता है। नेक्स्ट है यह फाइल का पता लगाने में मदद करता है। सपोज मेरे सिस्टम पे बहुत सारे फाइल्स हैं, थाउजेंड्स या मिलियंस फाइल्स हैं, उसमें पर्टिकुलर मुझे एक फाइल को अगर ढूंढना है कहां पर है, तो वो मैं सर्च की जो ऑप्शन है उससे मैं फाइल को ढूंढने में मदद करता है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ डॉस। फीचर्स ऑफ डॉस में जो है, डॉस की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें पहला होता है सिंगल यूजर सिस्टम, नेक्स्ट मशीन इंडिपेंडेंस, थर्ड इज अ प्रोग्राम कंट्रोल, फोर्थ इज अ पेरिफेरल मैनेजमेंट, फिफ्थ इज अ मैनेजिंग फाइल्स, सिक्स इज अ प्रोसेसिंग कमांड्स, सेवन्थ इज अ मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट, एट्थ इज अ मैनेजिंग मेमोरी, और लास्ट इज अ ऑपरेटिंग विथ असेंबलर। तो इसमें क्या होता है, जैसे सिंगल यूजर इंटरफेस, सिंगल यूजर का मतलब होता है कि डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं उसको, अभी के जो जनरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कंपेरिजन, ये सिंगल यूजर इंटरफेस होता था, ठीक है। सिंगल यूजर का मतलब अगर मैं पर्टिकुलर डॉस में कुछ वर्क कर रहा हूँ, फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं एट अ टाइम पे फाइल ही क्रिएट कर सकता हूँ, मैं उसमें सॉन्ग अगर प्ले करना चाहूँ, ठीक है, या वीडियो देखना चाहूँ एक साथ, तो मैं वो ऑप्शन या वो फीचर्स मुझे डॉस जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, एट अ टाइम पे एक ही काम मैं डॉस से कर सकता हूँ। दूसरा होता है मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंस का मतलब होता है ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब कोई भी मशीन में ऑपरेट हो सकता था। प्रोग्राम्स कंट्रोल, प्रोग्राम कंट्रोल मतलब यह प्रोग्राम को कंट्रोल करने की फीचर्स या सुविधा प्रदान करता है। पेरिफेरल मैनेजमेंट, पेरिफेरल मतलब क्या होता है कि मेरे सिस्टम से जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट है, चाहे CPU हो गए, कीबोर्ड हो गए, प्रिंटर हो गए और माउस हो गया, तो ये सारे क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं, जो सिस्टम में क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो उसको क्या करेगा, ये मैनेज करने का काम करता है। मैनेजिंग फाइल्स, मैनेजिंग फाइल्स का मतलब मेरे सिस्टम पे जितने भी फाइल्स हैं वो सबको मैनेज करने का काम डॉस कराता है। प्रोसेसिंग कमांड्स, अब मैं कोई कमांड जो है प्रोसेस करना चाह रहा हूँ, एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, तो उसको एग्जीक्यूट करना या प्रोसेस करने का काम भी डॉस कराता है। नेक्स्ट है मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट। मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट मतलब जो भी मैं कीबोर्ड से इनपुट दूंगा उसको प्रोसेस करने के बाद जो सिस्टम मेरे को आउटपुट देगा, चाहे मॉनिटर के थ्रू आउटपुट दे या मेरे को किसी भी प्रिंटर के द्वारा अगर कोई आउटपुट ले रहा है, तो वो सारा मैनेज करने का काम डॉस कराता है। मैनेजिंग मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट मतलब अगर मैं कोई भी फाइल क्रिएट कर रहा हूँ तो वो फाइल को जिस लोकेशन पर स्टोर करना है, कहाँ पर स्टोर करना है, कितना उसका साइज रहेगा, मेमोरी का साइज रहेगा, वो सारा मैनेज करने का काम डॉस कराता है। और लास्ट होता है ऑपरेटिंग विथ असेंबल,
असेंबलर मतलब ये क्या करने हैं, असेंबल का काम करता है, ठीक है, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है, तो लास्ट में फाइनल जब उसको रन करेंगे तो उसको असेंबल करेगा, देन ऑपरेट करता है। तो इस तरह से ये सारे फीचर्स वो डॉस के है। एक बार और देख लेते हैं, यह फाइल मैनेजमेंट को बेहतर बनाने में सहायता करता है, जैसे कि फाइल क्रिएट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको रिमूव करना किसी भी फाइल को, ये सब काम जो है वो डॉस कराता है। सर यह यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब यूजर इसमें वर्क कर सकता है, सिंगल यूजर, कोई भी यूजर इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय पर एक काम कर सकता है, वही मैं बताया, सिंगल यूजर इंटरफेस मतलब एट अ टाइम पे एक ही यूजर वर्क करेगा। क्या होता है, एमएस डॉस जो है वो 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आजकल के जो डॉस होते हैं वो 32 बिट और 64 बिट का आने लगा है, बट स्टार्टिंग में जब डॉस आया था तो उस समय 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब एक सेकंड में 16 बिट जो है वो एग्जीक्यूट होता था, ठीक है, और अभी तो एक सेकंड में 32 बिट वो रीड या राइट करने की कैपेसिटी या एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी रखता है अभी का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये होता है डॉस, सरल टेक्स्ट कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह ग्राफिकल इंटरफेस का समर्थन नहीं करता, ठीक है। डॉस क्या है, एक टेक्स्ट कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब आप क्या करेंगे, टेक्स्ट के थ्रू इनपुट देंगे, कमांड देंगे, देन वो ऑपरेट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब कोई यूजर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, इस तरह का सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट, डॉस टेक्स्ट आधारित इंटरफेस का उपयोग करता है, भाई ये टेक्स्ट बेस्ड होता है, मतलब आप जो भी अगर कॉपी भी करना है तो आप कॉपी कमांड का यूज करके किसी भी फाइल को कॉपी करेंगे, ऐसा होता है, और इसे संचालित करने के लिए टेक्स्ट और कोड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट होता है डॉस इस बात का मल्टीपल च्वाइस का समर्थन करता है, नहीं करता है कि इसका रैम में एक बार में केवल एक ही प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो रैम रहता है उसमें एक बार में एक ही जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होता है एक बार में, आप मल्टीपल प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, मतलब वही बात बोल रहा है कि आप एक समय में उसमें सॉन्ग भी नहीं सुन सकते, और सॉन्ग सुनते सुनते आप कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं कर सकते, आपको एट अ टाइम पे या तो सॉन्ग प्ले करेंगे या तो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य करेंगे, इस तरह से एक ही कार्य एक समय में होता है। और लास्ट होता है उपलब्ध स्टोरेज स्पेस की उच्चतम मात्रा 2 GB होती है, मतलब इसमें स्टोरेज स्पेस की जो हाईएस्ट जो मैक्सिमम जो लिमिट जो रहता है वो 2 GB रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता। सो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन टू डॉस, फंक्शंस ऑफ डॉस और फीचर्स ऑफ डॉस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।